हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप टिकटॉक पे ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टिकटॉक यूजर के आपने देखे होंगे ज़्यादातर ये फनी वीडियो के साथ होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करते हैं तो आपने देखा होगा लास्ट का कुछ सीन जो होता है 4 से 5 सेकेंड वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, यानी कि व्हाइट कलर को देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। ज़्यादातर टिकटॉक यूजर यूज करते हैं फनी वीडियो में। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको सिंपल आपको एक वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनवास्ट एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो पसंद आ लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से विदाउट वाटर मार्क काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को अगेंस्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो को कुछ इस तरह से शूट किया था, तो सबसे पहले मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया है। तो मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ आप अपने वीडियो के लास्ट में ब्लैक एंड व्हाइट कैसे कर सकते हैं। मान लो हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपके वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, तो सिंपल वीडियो के लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड का पार्ट यदि एक्स्ट्रा है तो 3 to left करेंगे। राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो यहाँ से आपको 3 to right कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को आप बिल्कुल आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये देखना है आपका वीडियो खत्म कहाँ पे हो रहा है। मान लो कि आपको लास्ट का 2 से 3 सेकेंड जो है आपका यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है, तो सिंपल इस पोजीशन में आना है, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्पीड 2 play हिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो आपको 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसके बाद लास्ट वाले पार्ट को आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो सिंपल इस वीडियो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, इसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कलर फिल्टर का, सिंपल आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो आपका जो ये देख सकते हैं आपका कुछ इस तरह से देखने मिल जाएगा। 3rd सेकेंड वाले वीडियो आपको ब्लैक एंड व्हाइट देखने को मिल जाएगा। इससे भी ज़्यादा अगर ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो सिंपल वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कलर एडजस्टमेंट। यहाँ से आपको कलर आगे पीछे भी कर एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा ही ब्लैक हो चुका है, तो कुछ इस तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे तो अपने वीडियो के लास्ट में ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। इसके बाद आपके वीडियो यदि साउंड ऐड करना है तो लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। आपको जो भी वीडियो को साउंड ऐड करना है सिंपल बिल्कुल आसानी से ऐड कर सकते हैं। मान लो कि मैंने वीडियो को साउंड ऐड करना है, तो वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, इस ट्रैक ऑडियो कर देंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, तो आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे साउंड भी ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप साउंड भी ऐड कर सकते हैं और लास्ट को पार्ट को आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका वीडियो एडिट हो जाएंगे तो सेटिंग पे क्लिक करना है, आईडी फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और बिल्कुल आसान तरीके से आप वीडियो के लास्ट में ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं।